हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कशन होगा आज। बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है पीजीआईएमएस यूनिवर्सिटी। उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है कि अभी तक उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है यूनिवर्सिटी की साइड से, तो एंट्रेंस एग्जाम लेंगे या फिर ट्वेल्थ बेस पे करेंगे। इस वीडियो के बाद तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग। एंड चलो इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तो ट्वेल्थ में हमें कितने परसेंटेज होने चाहिए, तो थोड़ा सा वो परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। एंड ये बात भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एंट्रेंस एग्जाम होगा तो हमें ट्वेल्थ के बेसिस पे कोई प्रायोरिटी वगैरह दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ट्वेल्थ बेस पे कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लें। अगर ट्वेल्थ बेस पे होता है बाय चांस, ठीक है, बाय चांस बोल रही हूँ मैं, 0.111% ट्वेल्थ बेस पे होगा अगर होता है, तो कट ऑफ इस तरह से जाएगी। थोड़ा सा जनरल की ऑलमोस्ट तुम्हें 92 से स्टार्ट होगी। 92 to 90% जिन स्टूडेंट्स के होंगे उन वो अपना सिलेक्शन सिक्योर कर पाएंगे। इससे नीचे वाले परसेंटेज के भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स के सिलेक्शन होंगे, बट उनकी जो श्योरिटी रहेगी वो कम रहेगी। ऑलमोस्ट इतना परसेंटेज तक जाएगी जनरल में। देन ओबीसी में जाएगी 90 to 85% तक, एंड एससी में जाएगी ऑलमोस्ट 80% तक। ये हमने ट्वेल्थ बेस के बारे में डिस्कस किया। देन हम डिस्कस करेंगे एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो श्योरली मोस्ट प्रोबेबली एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा, बिकॉज आज तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि यूनिवर्सिटी ने बिना एंट्रेंस एग्जाम के मेडिकल में एडमिशन तुम्हारा ले लिया। एंट्रेंस एग्जाम तो कंपलसरी होते हैं, एंड कोविड की वजह से भी पूरा जहां तक ट्राई होएगा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लेगी। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है कि अभी तक अगर ट्वेल्थ बेस पे होना था तो कोई नोटिफिकेशन आता कि हमारे पास की ट्वेल्थ बेस पे होगा। अभी कोई यहाँ पे कोई इशू नहीं है, कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया यूनिवर्सिटी ने। इसका मतलब ये है कि एंट्रेंस एग्जाम लेने की वो ट्राई करेंगे। अभी तक वो वेट कर रहे हैं कि कैसे सिचुएशन फेवरेबल हो एंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो नोटिस निकालें। अगर ट्वेल्थ बेस पे होना होता तो वो पहले से ही मेंशन कर चुके होते, बट वो भी वेटिंग में है कि जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल हो तो हम एंट्रेंस एग्जाम लें। तो वो भी ये सोच रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम हो, तो एंट्रेंस एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली होगा। अपनी प्रिपरेशन को कम नहीं करना है, प्रिपरेशन अपनी करते रहना है। एंड जो मेरी वीडियोस आती हैं वो एक्यूरेस कोर्स की, वो देखा करो। आज शाम को भी वीडियो आने वाली है, उसके लिए अपडेटेड रहना चैनल के, जो सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा करो। एंड अभी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एंट्रेंस एग्जाम भी होता है तो भी ट्वेल्थ बेस को प्रायोरिटी दी जाएगी नहीं दी जाएगी। जिस स्टूडेंट के 98% है एंड 80% है, उनमें से किसको पहले सिलेक्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करें, जो तुम्हारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके जो मार्क्स आएंगे, लाइक 180 में से किसी के 90 आ गए, 92 आ गए, ऐसे मार्क्स आएंगे तुम्हारे, तो वो जो मार्क्स होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उनके अकॉर्डिंग तुम्हें काउंसलिंग में इन्वाइट किया जाएगा कि स्टूडेंट्स अबाउट 92 मार्क्स, ठीक है, आर इनवाइटेड फॉर द फर्स्ट काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग के लिए 92 से मार्क्स जिनके ज़्यादा है वो सिर्फ स्टूडेंट्स आ जाएं यहाँ पे, ठीक है। उसके बेसिस पे तो तुम्हें काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, बट तुम्हें वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना होता है जिसमें तुम्हें अपने फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन चारों की जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करके तुम्हें वहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। अगर सपोज किसी ने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया एंड उसके 93 मार्क्स हैं, एंड एक और साइड में कैंडिडेट है उसके भी 93 मार्क्स हैं, तो दोनों में से किसको पहले सिलेक्शन दे, तो वो डिपेंड करेगा अभी उनके ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज हैं, ठीक है, ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज हैं। अगर परसेंटेज भी सेम है तो प्रायोरिटी मेंशन होगी यहाँ पे बायोलॉजी के मार्क्स के बेसिस पे कि किसको बायोलॉजी में ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स मिले हैं, ठीक है। लाइक दोनों स्टूडेंट्स के 93, बट जो बायोलॉजी में एक स्टूडेंट ने 80 मार्क्स स्कोर किए हैं वही दूसरे ने 85 किए, तो 85 वाले को पहले लेंगे एंड 80 वाले को बाद में लेंगे, तो ये थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं ट्वेल्थ बेस पे। एंड ये भी हमने, अगर और भी तुम्हारे माइंड में कोई भी क्वेरी चल रही है एंट्रेंस एग्जाम से रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक जो होता है वो हमेशा डिस्क्रिप्शन में मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।